मिनट, ये कौन है भाई? अरे अपना झिंगुर कृष्णा। अबे काठमांडू के शक्ति कपूर की आदमी, इसको भी फिल्म मिल गई। हाँ, इसके मम्मी डैडी भी ऐसे कह रहे थे, कहते हमारा बेटा कृष्णा फिल्म में आ रहा है, क्या कूल है। हम उसने क्या किया हमें बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही। बताया उधर छाती के बटन खोल के तूने क्या किया। आओ आओ। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आती इसकी। जहाँ लड़की देखता है वहीं पे मतलब शुरू हो जाता है। इसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मुंह मारता है ना कश्मीरा, जब दोनों ऐसे घूमते हैं तो चाचा भतीजी घूम रहे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम भतीजी लगते हो, वो चाचा लगती है। एक बार ना किसने ना कश्मीरा को फोन मैसेज किया, हाय बेबी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सामने से उसका तुरंत मैसेज आया, बेबी हु आर यू, मुझे बता दो, मेरे सारे कॉन्टेक्ट डिलीट हो गए हैं, तुम कौन हो। अपना भाई है, हम बहुत ज्यादा ही उड़ा रहे हैं। हाँ। सॉरी कृष्णा। तो बुरा तो नहीं लगा ना भाई? अरे नहीं नहीं, साला झिंगुर कितना बेशर्म है। अरे नहीं नहीं, चैनल वालों ने इसको सोफे पे बिठा दिया, मेरे घर पे आया इसको कमोड में ना बिठाऊ मैं। भारती अपना, अरे कैसे बिठाएगी, तू नहीं खुद बैठ के तोड़ा होगा वो। एक मिनट, जो कमोड़ साफ करने आते हैं उनको ही पता होता है टूटा है कि नहीं। पता, ऐसा लेता ना वाइपर सर, ऐसा डालता है तेजाब और ऐसा क्लीन कर देता कमोड़। एक बार कमोड़ साफ करने वाले कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। भारतीय अभी ज्यादा हो गया, अभी अभी छोड़ना, अभी बोल देना तू इसको क्या कि तू तू नहीं डरती, अभी बोल दे इसके लिए। हाँ तो इसको इसको बोलूं? अरे इसके बाप क्या, मैं पूरे खानदान से नहीं डरते। झिंगुर कहीं का पटोड़ा कृष्णा। हेलो कृष्णा, क्योंकि बाद में काम तो इसी के साथ करना है। कृष्णा आपका फोन। कर ले, तू ही कर ले, कर ले, ये बैठो यहाँ। ये देखो, ए एक मिनट, मैं तो एंकरिंग कर लूंगा, तू कहां से फिल्म लाएगा बुड्ढे, पहले बता। अब पता चला डरा के नहीं इससे, अब खौफ आया ना, अब पता चला ना इसका एक्ट सिर्फ भारती की वजह से चलता है, पता चला। शाबाश खैर, करण करण के लिए मैं सर आपको बताऊं, ये इसको मैंने पूछा था कि तू कॉमेडी लाइन में कैसे आया, तेरे मन में कैसे आया कि मैं कॉमेडियन बन सकता हूं, तो इसने मुझे बताया। वैसे तो मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने सिंगर बनना था, आवाज के हिसाब से मैंने सिंगर बनना था। तो फिर मैं ऐसे एक दिन वो कुछ खा लिया, भांग पी ली, मैं ऐसे कीचड़ में गिर गया, सब लोग हंसने लगे, मुझे लगा मैं कॉमेडियन हूं। बहुत अच्छे। खैर कृष्णा, अब इस शो से बाहर निकल, दफा हो जा घटिया इंसान, ये मेरे को कहें इससे पहले तू आया यार, संभाल ले मेरे से नहीं हो रहा। टीवी पे तो चलो कोई भी आ जाता है, किसी को कुछ आता है या नहीं, सॉरी करण, तो नहीं होता ना कि अपनी बात फिर शुरू कर दी। फिल्में अगर मिलती हैं तो टैलेंटेड बंदों को मिलती हैं, क्योंकि टिकट लेके फिल्म देखनी पड़ती है, ये टैलेंटेड लोग हैं। जोरदार तालियां सब पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। और एक और चीज कहना चाहूंगा, आज पहली बार मैंने सामने से बैठ के एक्ट देखा है, वरना मुझे पीछे जाना पड़ता है। भारती हमारे शो की सुपरस्टार है, कमाल किया भारती, बहुत बढ़िया भारती, क्या बात है। जब कह रही थी मैं कमोड साफ करने आता हूं,
क्या जोर से हंसते थे तुषार आफ्ताब, अरे बहुत हंसे मेरे पे, अब आप लोगों की बारी है, जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। तुषार आफ्ताब, एक बुड्ढा बुड्ढी जो है वो हमारी फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं क्या कूल थ्री, और अचानक से उनकी भतीजी बीच में आ जाती है, तो आइए देखते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। प्लीज वेलकम शो के ओरिजिनल बुड्ढा बुड्ढी शकील श्रुति एंड असली बुड्ढी पूजा, जोरदार तालियां। हेलो, हाँ हेलो हेलो, ओए बदतमीजी नहीं कर, बदतमीजी नहीं कर, जा मेरी बद्दुआ है कृष्णा, जितने कीड़े पड़ेंगे तुझे मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कृष्ण ही पड़ेगा, जा अब इससे बड़ी गाली मैं नहीं दे सकता बस। मगर अरे कृष्णा शोभ जा, बड़ी बेइज्जती होनी है जी बड़ी पता लग रहा है ना, जो दूसरों का बैंड बजा रहा था आज तेरी बारात निकली, अब बजेगा बैंड भाई कृष्णा के बारे में जो कोई नहीं जानता मैं बताऊंगा, इसकी किताबें मेरे पास, कृष्णा और उसकी फुर्तियां इतना बड़ा ठरकी एक कुत्ती पे ना दुपट्टा गिर गया, 3 घंटे कुत्ती को छेड़ता रहा कुत्ती से बर्दाश्त नहीं हो, उसने यहाँ पे काटा है, लोगों को बताया देखो जाते जाते लव बाइट दे गई मुझे इस दिन से कुत्ते ने काटा इसके अंदर ऐसा कुत्तापन आया है, अब हर रस्सी सूंघ के बता देता है किन किन औरतों के कपड़े इसमें सूख रहे हैं अरे तुषार भैया कैसे हैं आप? बहुत बहुत क्या बात है, जीतू जी के लिए बहुत सारी तालियां, बड़ा फैन हूं मैं सर उनका, क्या बात है सर उनकी, क्या बात है, वो सारी जिंदगी ताकी ताकी करके पैसा कमाते रहे, आप तो 2 हाथ आगे निकल गए गोलमाल देखी आपके मैंने तीनों, क्या उसमें आपने एक्टिंग किया, आया आओ 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 आओ, ऐसा लग रहा है जीतू जी के कम शक्ति कपूर के बच्चे ज्यादा है आओ आओ आओ, मैं अपनी बीवी को बुला रहा हूँ, क्या बीवी है, पैसे निकाल लो तुम बेगम अंदर मरो, तुम्हारा सुहाग सलामत रहा, बाकी सब भाड़ में जाए आ रही हूँ, आ जा अगली दिसंबर में पहुंचेगी क्या हुआ अभी नहीं हुआ, जब होगा तो खुर्रम नाम रखेंगे 6 बच्चे हो गए तुम्हारे, अभी भी खुर्रम पर दिल आया हुआ है तुम्हारा, अबे कहा है कि 6 बच्चे, एक कमीने की मेरे से शक्ल नहीं मिलती बच्चों की जब मेरे यहाँ बच्चा होता कोई ना कोई आ जाता, देखो मेरे पे शक्ल गई है छोड़ा बच्चे को, बात सुनो इनकी फिल्म आ रही है भाई, मैंने टिकट बुक करा ली है, होय नहीं 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 मैं नहीं देखूंगी, क्या कूल है हम देखने गए थे तो एक बच्चा पैदा हो गया, क्या कूल है हम 2 देखने गए तो जुड़वा पैदा हो गए, अब अगर ये देखने चले गए और एक साथ 3 बच्चे हुए तो फिर क्या होगा, तेरी पिटाई हां एक तो मेरा होगा 2 किसके होंगे बे थोड़ी तो अक्कल लगाया करो, अपनी उम्र का लिहाज करो, मेरे घर पे बैठी जवान भतीजी के बारे में तो सोचो, उसका तो ख्याल करो, अबे उसका तो ख्याल पूरे मोहल्ले के लड़के रखते हैं सुन अपनी बच्ची का ध्यान दे भतीजी का, दरवाजे पे खड़ी तो भीड़ आ जाता मोहल्ले का, भीड़ तो मैं भी इकट्ठा कर लूं, बस खिड़की पे बैठकर मुस्कुराने की देर है, मुस्कुराई होनी परसों रात अंधेरे में मुस्कुराई, तेरी 32 गिर गई थी इसकी 32 नकली है, रात को सोती ना साइड टेबल पे रख के, रात को सपने अच्छा ना वहाँ टेबल पे 32 हंस रही होती है, सुन तेरी भतीजी को बहाना कर देना, बोलना बेटे तू घर पे रह, भूखा मारने वाला उसको घर बैठाना हम लोग आते हैं, चलो ठीक है नूरी बेटा, ये मोहल्ले के लड़के सही मेरी इज्जत करते हैं, इसी वजह से करते हैं चाचा जान आफ्ताब तो शहर आए, आप मुझे अब बुला रहे हो, क्यों इनका कोई आइटम मिस हो गया तेरे से ये क्या कान में अंडे डाल के मुंह से चूजा निकालते हैं कृष्णा इन लोगों के साथ क्यों बैठा हुआ है भाई तुम्हें भाग जा बड़ी बेइज्जती होगी ये बेचारा यहाँ खड़ा होके स्ट्रगल करता था, अब उनके साथ बैठ के काम मांग रहा, दे दो काम दे दो काम दे दो काम कुछ भी मत बोलो, ये भी है फिल्म में, अच्छा ये फिल्म कर रहा है हाँ। तुम ये फिल्म अगर देखना चाहोगी ना
तो पहले तुम शादी कर लो फिर अपने पति के साथ देखना। देखो चाचा अगर ऐसी बात है ना तो मैं पहले शादी करूंगी और उसके बाद ये फिल्म देखूंगी, पर मैं शादी करवा दो जल्दी से फिर। अरे पर कोई अच्छा लड़का तो मिलना चाहिए। अरे तुम इतने सारे ये तीनों में से किसी से, चलो आफ्ताब से करा दो मेरी शादी, कितना भोला है यार, बहुत भोला। शादी करा वो तो सही है, बिल्कुल भोला। हाँ, बहुत भोला। मस्ती देखिए उसके बाद ग्रैंड मस्ती देख लो। देखो तुम्हें पता नहीं है चाचा, इसने बहुत अच्छी फिल्में भी की है। अच्छा। पता है इसने इतनी प्यारी सी लव स्टोरी की थी अमीषा के साथ, देखी थी? हाँ, तो अमीषा आप दिख रही है। अरे इसने और भी बहुत सारी अच्छी फिल्में की, इसने कसूर किया था लीजा रे के साथ। तो अब लीजा रे दिख रही है। मस्त उसकी पहली पिक्चर थी, क्या मस्त पिक्चर थी। उसमें उर्मिला थी। उर्मिला दिख रही है? ऐसे मत बोलो, मैं भी पिक्चर कर रही हूँ उसके साथ। अरे वाह, ये इसके साथ फिल्म कर रही है, अब ये भी दिखाई नहीं देगी, चलो। अरे चलो मैं एक शर्ट पे नहीं देखूंगी, ये तीनों आके मुझे हग करेंगे तब। हाँ क्या क्या क्या, एक मिनट एक मिनट। तुम भी नहीं रे बदतमीज। तू क्या कह रही, तूने भी हग करना है? उठे तो मैं जाऊँ ना हग करने। खबरदार वहीं रहो, इस दफा भी मेरी शक्ल का बच्चा नहीं होगा क्या? चली गई चाचा।